कहते हैं कि असली मजा डेस्टिनेशन पे नहीं जर्नी पे होती है। और आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, अगर कुछ है तो सिर्फ जर्नी और जर्नी। एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज जर्नी टू द नो डेस्टिनेशन। बाद आज एक और नई कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ, तो वीडियो का टाइटल देखे तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो कितना बुरा होने वाला है। हमको कौन दिखाए? जोक्स से हाय, कोई जोक्स बॉक्स नहीं है। पहले वीडियो में पता चला है ना कितना प्रॉब्लम हो गया था, ब्लर वगैरह। ठीक है, हम समझ रहे हैं, हम ठीक कर देंगे। जैसे मेरा ये आर्टिफिशियल मास्क कैसा लगा? तो वीडियो का टाइटल देखे तो आप समझ गए होंगे, या जर्नी टू द नो डेस्टिनेशन। काम डाउन मैं स्वर्ग पे नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली हम जिस जगह रहते हैं उस जगह से स्टेशन नहीं शुरू होती है। वो जगह बहुत खूबसूरत है और मैं तो इस जगह को एंजॉय कर ही रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इस जगह को एंजॉय कीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं रास्ते की ओर। जब भी कोई ब्लॉग बनाने जाता है तो किसी पार्टिकुलर जगह पे जाता है। हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कोई जगह नहीं है, मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ब्लॉग इज ऑल अबाउट जर्नी, मतलब वो कहते हैं ना कि मजा डेस्टिनेशन पे नहीं है, मजा जर्नी पे है। तो उसी जर्नी को जीने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मतलब पूरा जो हमारा आज का जर्नी है वो एक सिर्फ जर्नी ही है, कोई पार्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है कि हम लोग को वहाँ जाना है। तो कितना पैसा लेते उसके? तो मास्क वास्क सब कुछ पहन लिया है। आप देखिए यहाँ से हमारा शुरू होती है जर्नी। A few inches later. तो वहाँ से जर्नी हुई शुरू। अभी हम यहाँ पहुँचे, यार यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अगर मेंटली इलनेस, फिजिकली इलनेस सब कुछ यहाँ आके मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना ऑक्सीजन से भरपूर, चारों तरफ हरा भरा। जैसे कि ये न्यू वीडियो है तो न्यू वीडियो में नया दोस्त रहते हैं, तो आइए देखिए हमारे साथ आज कौन कौन है, आपसे मिलाते हैं। ये है सौरभ भैया जिसको तो आप देखते ही हैं, जानते ही हैं। और ये है, इधर देखो, जितना बार आऊंगा प्रेम। हाँ, बहुत पैसे लेता है। और ये और कोई नहीं है, ठीक है, यही दोनों हैं हमारे साथ पुरानी तरह। अभी तो फिलहाल हम यहाँ हैं, बहुत हवा आ रही है, लेकिन आगे भी जाएंगे क्योंकि व्लॉग तो अभी शुरू ही है और आप लोगों को सब दिखाएंगे। पहले वीडियो बहुत बुरी तरह बनाने के बाद मैंने ये वीडियो बहुत अच्छी तरह बनाने की कोशिश की है, पर हुआ नहीं है, लेकिन बन जाएगा। बिल्कुल अमेजन की रेन फॉरेस्ट की तरह लग रही है। पुरुलिया इतना अच्छा जगह है, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि द प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो उस जगह मैं बहुत ऊपर नीचे करके आई, तो जगह का नाम नहीं पता, बताओ। ये जगह है पुरुलिया में, जैसे आप सबको पता है वी आर फ्रॉम पुरुलिया। और यहाँ पे एक हेटजाड़ी मोड़ करके एक जगह है, वहाँ पे लेफ्ट लेना पड़ता है, वहाँ से इस तरफ आता है। एग्जैक्टली जगह का नाम हमें पता नहीं है, बस लोकेशन पता है, कोई जगह का नाम नहीं है। यहाँ से ये जो रोड जा रहा है पीछे, मतलब जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जाएगा ये मुरगुमा। किसी किसी को पता है, अगर किसी को नहीं पता, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो। इन माई व्यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पुरुलिया। आप देखो जस्ट इस नज़ारे को देखो। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, तो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो अभी सरप्राइज है, मतलब ये था शुरुआत। सरप्राइज नहीं, वो जगह है ही नहीं, वो जगह अभी क्लाइमेक्स बाकी है।
रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता आप देखिए कितना सुंदर है और इतना नैरो भी है। तो थैंक गॉड आज हम लोग बाइक पे आए और स्कूटी पे आए, तो ये मज़ा हम ले सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी चलते हैं, स्कूटी राइड करते हैं। देर पहले रितेश ने हमें बोला था कि एक सरप्राइज व्यू पॉइंट आने वाली है, तो वो पॉइंट अभी आ गई है। ये देखिए सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे। सारे, हाँ सारे बच्चे किस किस को मैं लेके आई हूँ, मतलब ये जो जंगल आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर अंदर घर है, अगर जूम करके देख पाता हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐसे पूरा मतलब पेड़ और सिर्फ हिल्स नहीं है, यहाँ पे गांव है, घर है, और ऐसे जंगल के अंदर घर रहते हैं, लोग रहते हैं। जिस रोड से मैं आई हूँ वो रोड आप देखिए, यहाँ पे नीचे से ऊपर आ रहा है रोड, मतलब इतना नैरो है कि सिर्फ एक कार जाने का जगह है। अगर आप लोग एक एसयूवी लेके आते हो, साइड में जो झाड़ियाँ है उसमें टच होके होके आता है थोड़ा थोड़ा, मतलब अलग ही टाइप का मजा आता है यहाँ पे। अभी चाय निकालो जल्दी से, सिग्नेचर शॉट है। Many tic tacs later. ये नजारों की नमकीन मस्तियाँ, इन पेड़ों की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, ये बादल की लहराती अंगड़ाइयाँ, भूल जाऊंगी मैं जब तक है चाय, जब तक है चाय, जब तक है चाय। शाम हो चुकी है, तो अभी हम यहीं पे ब्लॉग का ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ अभी कैमरा में आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, थोड़ी बहुत दौलत है, ज़ौरत है, इज्जत है, पर सब्सक्राइबर नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आप भी ऑनलाइन आ जाइए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर और भी मज़ेदार क्लिप्स और बहुत सारे फ़ोटोशूट्स आने वाले हैं, तो मिस मत करना। ओके बाय।